बिग बॉस 15 की लाइव फीड में कल हुआ था टिकट टू फिनाले का स्पेसशिप टास्क, जहां देवोलीना, रश्मि, शमिता और प्रतीक क्वालिफाई हो चुके हैं टिकट टू फिनाले के लिए। टास्क खत्म होने के बाद देवो तेजस्वी को बुला के उसके और निशांत के बीच टास्क के दौरान हुई कंफ्यूजन के बारे में बात करती है, जहां तेजस्वी ने शमिता को कुछ बोलते हुए सुना था और ये सुन के ही देवो फिर से निशांत के साथ झगड़ने जाती है और उसे फेक फ्रेंड बुलाते हुए चिल्लाती है। देवो कहती है, तुझसे तो दुश्मन अच्छे जो पीठ पीछे वार तो नहीं करते। निशांत भी गुस्से में आके देवो पे चिल्ला के कहते हैं कि तू होगी फेक फ्रेंड, तुम होती कौन हो मुझे धोखेबाज बुलाने वाली। फिर काफी देर तक निशांत और देवोलीना के बीच चल चल हट हट करके बहस होती है, जहां दोनों ही गुस्से में एक दूसरे को मारने को तैयार होते हैं और सभी घर वाले दोनों को आके रोकते हैं। वहीं तेजस्वी देवोलीना का पक्ष लेते हुए कहती है कि मैंने भी टास्क के टाइम अपने कानों से सुना था कि तुम उसके बारे में कुछ बोल रहे थे। तेजू के ये बोलते ही प्रतीक, निशांत और शमिता उस पे चिल्लाने लगते हैं और देवोलीना के भड़कने की वजह तेजस्वी को बताते हैं। निशांत कहते हैं, टास्क अच्छे से खत्म हो गया था लेकिन तूने गुफा में जाके उसके कान भरे और हमारे खिलाफ भड़काया है। शमिता भी तेजू को कहती है कि तुम क्या बोल रही हो, कुछ सोच समझ के बोलो। और प्रतीक भी चिल्लाते हैं कि तुम्हें टास्क वास्तव तो कुछ समझ में आता नहीं बेवकूफ लड़की, ये हमारा और देवो का मैटर है, हम आपस में देख लेंगे, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है। वहीं रश्मि देवो को लेके गुफा में चली जाती है, जहां पीछे पीछे प्रतीक के साथ सभी घर वाले आ जाते हैं, जहां फिर से एक बार देवोलीना और निशांत एक दूसरे को चिल्ला चिल्ला के बुरा भला बोलते हैं, जहां रश्मि देवो को रोकती है और फिर से तेजस्वी के बीच में बोलने पे प्रतीक, निशांत और शमिता तेजस्वी पे भड़कते हैं। देवोलीना काफी हाइपर होके जोर जोर से रोने लगती है। वहीं शमिता तेजू को कहती है कि जब अफसाना ने ऐसा किया था तो तूने मुझे बहुत सुनाया था कि जब कोई मेंटली परेशान हो तो उसे बीच में प्रोवोक नहीं करना चाहिए, और अभी तुम भी वही कर रही हो देवो के साथ। जहां तेजू निशांत से बार बार कहती है कि तुम लोगों ने उससे दोस्ती बनाई और फिर उसे धोखा दिया है। फिर निशांत तेजा को दोस्ती के नाम पे कलंक कहते हैं। तेजस्वी फिर से एक बार करण और उमर के सामने पूरी बात समझाती है, जहां निशांत और शमिता तेजस्वी को बीच में आग लगाने का जिम्मेवार ठहराते हैं। तो व्यूअर्स, क्या लगता है आपको टिकट टू फिनाले वीक में पहुंचने के लिए हुए इस झगड़े के बाद प्रतीक, शमिता, रश्मि या फिर देवोलीना में से किसे मिलेगा दूसरा टिकट टू फिनाले?